कंपैरेटिवली तो ओवरऑल पेपर कैसा लगा आपको? ओवरऑल करंट ट्रेंड के हिसाब से तो थोड़ा टफ कहूँगा। अच्छा हाँ। और जो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आए, कैसा लगा केमिस्ट्री आपको? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन थे, फिजिकल थी नहीं, फिजिकल बस न्यूमेरिकल टाइप में थी, उसमें भी तीन चार क्वेश्चन थे बस। सबसे ज़्यादा किसे आया था केमिस्ट्री में क्वेश्चन? फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बराबर वेटेज था लगभग। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो याद है जो बता? अभी तो यार कुछ याद नहीं है। अच्छा, रिएक्शन वो GOC IPX वो सबसे आए थे, मतलब रिएक्शन के रिएक्शन से आए थे। अच्छा, फिजिक्स में कैसा? ज़्यादा मैकेनिक्स आए थे या फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं तीन चार? अच्छा अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स कवर हुआ था? मॉडर्न फिजिक्स तो और है जो हाँ, जो, जो, हाँ। जो चैप्टर डिलीटेड कर दिया गया? नहीं, उससे कुछ नहीं आया, उससे कुछ नहीं आया। नहीं, मैथ में ऐसा क्या, कैलकुलस ज़्यादा कवर किया जा रहा है, अलजेब्रा कवर किया जा रहा है? मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस थे और वेक्टर थ्योरी से क्वेश्चंस थे काफ़ी। अच्छा, इन दोनों टॉपिक्स से थे और मैथ्स में लेंदी था, बस ये है कि लेंदी ज़्यादा है।